स्टार्ट हो गए हैं बनना। टाइम हो चुका है फजर का, 5 बज रहे हैं। चाय रख दी है, शीर कोरमे के लिए दूध रख दिया है, और शीर कोरमा जो है मैं थोड़ा ही बना रही हूँ सिर्फ चखने के लिए सबके घर में, क्योंकि और कोई नहीं खाएगा, सिर्फ साविया और उनके बाबा। और ईद पे लाजमी बनना है, तो इसलिए क्योंकि मैंने बनाना है शाम में कुछ और मीठा। अंडे तैयार हो चुके हैं और सबका इंतज़ार हो रहा है कि सब आएँ, तो फिर मैं गर्म गर्म पराठे बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। जनाब साहबिया तो पूरी रात ही नहीं सोई हैं, और मैं भी, हम दो बंदे जो हैं वो जाग रहे हैं। उन लोगों की तरह पूरी रात हो गई है, क्योंकि काम थे, कपड़े वपड़े प्रेस करने थे, कुछ और थोड़े बहुत काम थे, कुछ मेरे छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी वो मैंने करनी थी वाइंड अप, तो वो करी। और फिर करते करते फजर हो गई, तो नमाज़ पढ़ी, और फिर लग गए हम किचन में, क्योंकि सबने जाना है नमाज़ पढ़ने, सबने मतलब अम्बिया और बाबा ने उठे। तो भाई सिर्फ हिफ्ज़ा सो रही हैं, अम्बिया को भी हमने उठा दिया है, और काफ़ी हद तक नाश्ता आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है, बस गर्म पराठे बनाने और अंडे। अम्बिया भी पूरी रात जागें, तकरीबन मुश्किल से 2 घंटा सोए, 1 से 2 घंटे सोए, तो इसलिए अम्बिया का उठने का नाम नहीं हो रहा। अच्छा मैं भी कह रही थी कि साविया पानी क्यों पी रही हो, ध्यान ना भी सर, अरे सूरज निकल रहा है ऐसा ऐसा, और तुम पानी क्यों पी रही हो भाई। अभी थोड़े दिन तक तो यही रहता है। और अस्सलाम वालेकुम, ईद का, ये ईद का सलाम है सबको, ईद का बहुत बहुत सलाम, ईद मुबारक। ईद की मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है, आए दिखाएं हम लोग आपको ईद की मॉर्निंग का आगाज़ सारी तरह खोलिए। तो जनाब ये देखें, इतनी प्यारी सी मॉर्निंग हो चुकी है, और 6 बजना हम गेट नहीं खोल सकते ज़्यादा, क्योंकि मच्छर सारे अंदर इंटर हो रहे हैं, तो हम बंद कर देंगे बस। थोड़े से तो दूर जाइए, आप थोड़े से दूर जाइए। देखो अम्बिया भाई तैयार हो गया नमाज पढ़ने जाने के लिए। आप टोपी तो ले लें अपनी, अम्बिया जाओ दराज से टोपी तो लो अपनी, सीपर यही उतारो भाई। यहाँ अम्बिया बाबा कह रही थी, अम्बिया जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, निकल रहे हैं, और हिफ्ज़ा अभी तक सो रही है, और बाकी हम सब उठे थे और नाश्ता भी कर लिया सबने। और जनाब यहाँ मेरा आ गया था छोटा भाई, और उसने कहा मैं नाश्ता ऐसा कुछ नहीं करा, हाँ शीर कोरमा ज़रूर खाऊंगा, तो उसके लिए शीर कोरमा निकाला, और थोड़ी देर बैठे और जनाब सलाम करके चले गए। दोनों जो है तैयार हो गई है, देख लें हिफ्ज़ा की, पहले हिफ्ज़ा को दिखा दूँ पूरा नीचे से लेके, और हमने पहले मेहंदी भी लगाई थी। अब चूड़ियाँ भी तो दिखाएं आप अपनी, ये देखो इतनी सॉरी चूड़ियाँ, और ये है साविया का लुक, ये साविया, आप पहले पहन के चलोगे तो फिर बोलेंगे। यहाँ अभी अम्बिया आए नहीं हैं, और हिफ्ज़ा और साविया तैयार हैं रेडी अपनी दोस्तों के साथ जाने के लिए, और अभी हम बाकी हैं तैयार होने। और ये साविया का ब्रेसलेट और नेकलेस, ये नेकलेस, और ये मेरा कोई नेकलेस नहीं है, ये अरे आपका नेकलेस है पिंक वाला, रिंग्स पिंक वाला है हमारी रिंग्स में, अरे मैं लाऊं, लाऊं हां हां इधर रिंग दिखाओ अपनी, भाई बच्चों की सही बात है, इनके टाइम पे जैसे हमारा टाइम था तो हमारी भी ईद होती थी, मगर अब जो है अब भाई बच्चों की ईद होती है हमारी खत्म। भाई सुबह तैयारी के बाद बच्चों का और सबका, बड़ों का ये हाल होता है, देखें सब सो रहे हैं, तकरीबन मैं भी बार बार उठ रही हूँ सो रही हूँ, और नींद बहुत आ रही है। उठा रहे हैं आप, उठाइए अम्बिया को जल्दी से, उठाइए हिफ्ज़ा रेडी हो गई, मेरी बेटी रेडी हो गई, भाई जल्दी से भाई को उठाओ, जाओ भाई को उठाओ, मैं साविया को उठा रही हूँ, वो साविया को बुला, साविया को बुला के जाती हूँ। ये देखो साविया की सुबह हो गई है सो सो के अभी, और अभी सब बच्चे रेडी हो गए हैं सुबह का, आपने देखा ब्लॉग हमारा था रूटीन का ईद की, और अभी हम रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, आप लोग निकलो मैं आ रही हूँ। अम्बिया ने बेड बीच में कैसे देखो डाला हुआ, हाँ ना आज एक सीन हो गया है हमारे मियाँ की स्लीपर जब डॉग लेके चला गया, तो भाई हम यहाँ निकलना है, और यहाँ हम रुके थे बेकरी पे और केक लेने के लिए, और चॉकलेट जो है नहीं मिला, और बाजियाँ जो है, और हम मैंने बोल ही दिया बाजियाँ हम बाजियाँ जा रहे हैं,
तो वहाँ सबको चॉकलेट पसंद है, तो एक मिला भी तो इतना चॉकलेट की थी। हमने बताया फाइनली यही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतना रास्ता ऐसा लगा था फ्री में सबको केक दे रहे हैं। तो भाई यहाँ आ चुके हैं हमारे साथ, ये कौन है गाड़ी में, ये है हानी मेरे देवर की बेटी। तो हम लोग सब आगे पीछे थे दोनों, तो वो रुक के और हमारी गाड़ी में आ गई जनाब। अब हम यहाँ आ चुके हैं किचन विद नाज़मी, अपनी नन के घर, अपनी फ्रेंड के घर। भाई आप लोगों को बहुत इंतज़ार था कि हम नहीं जा रहे, हमको नहीं मिला, तो भाई आज आप लोग देख ले, हम लोग आ चुके हैं किचन विद नाज़मी के घर। और ये मेरे हाथ में भाई सामान था कुछ, तो साविया वीडियो शूट कर रही थी, और अभी गेट अभी तक खुला नहीं है, बस खुलने ही है। और जैसे गेट खुलेगा तो सब इंतज़ार में हमारे खड़े हुए अंदर, क्योंकि कब काफ़ी देर से सब वेट कर रहे थे। अब ये लोग अभी तक नहीं आए। रमजान थे, सब बच्चे बीमार चल रहे थे, पेपर भी हो रहे हैं, तैयारी भी हो रही है, इसलिए मैं नहीं आई थी। हाँ। और देखो बाजी क्या बात है। नहीं नहीं, हम लोग मिलते रहते हैं, जरूरी कोई कि व्लॉग बनाया जाए। अभी कल किसी ने बोला कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। नहीं, मतलब लोगों को ही होता है कि क्यों नहीं जा रहे, बड़े तजस्सुम होता है ना। हम अभी अक्सर ही होता है कि फ्री होते तो जाए, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई रमजान क्यों ही खा दिया, देखते जाएंगे, इसलिए इसको तो उठा के लाए। मतलब अच्छा पर्स अच्छा लगा, लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं मिल रहे, इतने दिन से हम लोग परेशान है भाई। तो देख लो भाई, हम लोग मिल रहा है, कोई हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं था, बच्चे मसूम। ये जबरदस्त टॉप्स जो है ना बुंदे मेरी भाभी लाई है बर्थडे गिफ्ट, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम लोगों ने खाए, बाजी ने बनाए बड़े दोस्त, ये ना वो गप्पा घोटाला कबाब है, बहुत गप्पा घोटाला बेचारे भूखे आए ना, क्या करें, मेहमान नहीं मैं बुरा बोलना, नहीं हम सुबह के नाश्ता कर रहे थे, स्किन उतारो उतार के खा रही हो भाई, स्किन नहीं उतारो, ये सिर्फ मैंने नहीं उतारी, ये सिर्फ ऊपर के जो टूटे हैं वो सिर्फ वो खा रहे हैं बस, ये खा लो बाकी ये उठाओ बस चलो। तो जनाब खाने में बाजी लगी हुई थी आखिरी मराहिल पे, बस सब चीज़ रेडी हो गई थी, और सबको बड़ी भूख भी लग रही थी ज़बरदस्त से, क्योंकि टाइम हो चुका था खाने का। तो बाजी ने बहुत ज़बरदस्त सब चीज़ें बनाई थी माशाल्लाह से, बिरयानी थी और आई थिंक मटर कुछ वो थी हांडी, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें वाइट क्रीम है, और मैक्रोनी थी और सलाद रायता, और जनाब और क्या था, और एक कबाब थे बड़े ज़बरदस्त से कबाब थे, जो कि हमको शुरू में आपको दिखाया वो हम खा भी रहे थे, और बाजी ने नान बनाए हुए थे खुद, बहुत अच्छे नान बहुत ज़बरदस्त थे, और ये था मीठा, ये मुझे सब बोले थे बहुत ज़बरदस्त है, मैं यूँ नहीं बोले क्योंकि मुझे मीठे से बस नहीं खाती मैं, तो मैंने पसंद नहीं किया, मगर लुकिंग वाइज में आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये उन्होंने नाफा शायद आई थिंक बनाया था, और जो हस्बैंड वगैरह ने खाया था उनको बड़ा पसंद आया कि बहुत अच्छा था। उसके बाद अभी आप आगे ब्लॉग देखते रहें, बहुत तफरी है, बहुत ज़बरदस्त सा हल्ला गुला हुआ है, क्योंकि 12 बज गए थे और साविया की बर्थडे शुरू हो गई थी 23 अप्रैल, तो सबने बहुत शोर शराबा करा, बहुत हल्ला गुला करा, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा सुनिए।
आज ये सब हो गया था, वीडियो शूट भी हो रही थी, पिक्चर्स भी ले रहे थे सब। और जब हमने मेरी सासू माँ जो बैठी थी तो भाई उनको बिठाला, उसके बाद ऐसी फुल सबको तफरी सूझी और मिठाई भी लेकर मीठा भी लेकर आ गया भाई, कहें भाई अम्मी की रस्म मोरी मूवी कर रहा है, एक से एक तफरी तन हो रहा था, सब कुछ मजाक तन कि भाई चलो बस गैदरिंग लगी थी तो सब बारी बारी आ रहे और मुँह मीठा करवा रहे थे अम्मी का। तो भाई देखे दोनों देवर भी मेरे बैठे हुए हैं, मुँह मीठा करा और ये देखे देवर जो है गिफ्ट दे रहा है अम्मी को, उसने एक टी पॉट उठा के वो था शोपीस और वो दे दिया अम्मी को, ये ले अम्मी आपका गिफ्ट। फिर उसके बाद देखे अब शानी जो है वो अम्मी को रसम खिलाते खिलाते, और ये अब शानी का पुराना काम है क्यों, क्योंकि मेरी रसम जब पूरी थी जब भी शानी को खुद ही खाया था मुझे नहीं खिलाया था। तो भाई बहुत मज़ा आया, ये देखें अब सारी नवासियाँ बैठी हैं और पोती, ये लोग सब बैठ के और अम्मी को कह रहे हैं भाई ये देखें नानू हम आपकी रस्म कर रहे हैं, और फुल तफरी चल रही थी, बस सब खुश हो रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कोई भाई किसी को बुरा लग रहा, बहुत तफरी करी, बहुत मज़ा आया। और ये चलने बस ये सब खड़े में और जाने के लिए सब रेडी थे, हम लोग निकलने के लिए जा रहे थे, तो चलते चलते तफरी बस शुरू हो गई। और कैसा लगा ये आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर लाइक कर दिएगा। अगर आपको आज ये पहले दिन का ब्लॉग, ईद का फर्स्ट ब्लॉग नाज़नीन के घर, किचन में नाज़नीन मेरी दोस्त और मेरी नन, तो उनके घर हमारी दावत थी डिनर की और तीनों भाइयों की, मेरे हस्बैंड और दोनों देवर, तो सबकी फैमिली की और मेरी सास थी, हम सबकी दावत थी, बहुत मज़ा आया, बहुत गैदरिंग रही फुल। रात का जो एक ईद का दिन है बोर नहीं उतरा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दोबारा करें, ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। कल का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, आज की तरह शायद और भी बल्कि मज़ीद ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि कल है ग्रैंड दावत और वो है हमारे घर सबकी। मैं पहले से बता रही हूँ इन लॉज की पूरी, जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा था, पहले ब्लॉग में आप देख चुके हैं कि सेकंड डे पे सबकी दावत थी, तो कल है और उसकी मैं आपकी तैयारी ज़रूर आपको दिखाऊँगी क्या क्या हो रही, क्या क्या हम बनाएँगे कल। तो मुझे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, जिन जिन्होंने मुझे कमेंट्स में ईद की मुबारकबाद दी है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, और उन सबको मेरी तरफ से दिली 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 ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुशियों को हंसता बस्ता रखे, आबाद रखे आपको आपके घरों में, और ये ईद का दिन जो है आप लोगों के लिए यादगार बना रहे। तो यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुशन दो, अल्लाह हाफिज़।